मुजफ्फरनगर देश में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ नहीं रही, वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में भी सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कचहरी प्रांगण स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हर गरीब से गरीब व्यक्ति खुद पर निर्भर रहे, ताकि सब मिलकर देश की ताकत बन सके। कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा स्कूली बच्चों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एडीएम प्रशासन अमित सिंह, एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एसडीएम अजय अम्बस्ट सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं दूसरी ओर जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान किया गया। साथ ही एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में हेड कांस्टेबल करण सिंह को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह व कांस्टेबल पूनम सिंह को सिल्वर डीजी सम्मान दिया गया। साथ ही एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रोहित सांडू केस में पुलिस टीम को पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के चलते पुलिस लाइन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी अभिषेक यादव, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसपी सिटी सतपाल अंतिल, एसपी देहात नेपाल सिंह, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक सहित पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। जी, 74th इंडिपेंडेंस डे है, तो इसमें हम लोग फ्लैग होस्टिंग किए हैं और आत्मनिर्भर भारत जो इस साल का हमारा थीम है उसके बारे में सबको बताया गया है और सभी को अपना पोटेंशियल और बढ़ाना है, स्किलिंग अपस्किलिंग सब करके। तो हम लोग देश के लिए एक बहुत बड़ा ताकत बनना चाहिए हर इंडिविजुअल को। आज वो संकल्प हम लोग ऐसे जिला प्रशासन की तरफ से ले रहे हैं, ताकि हम लोग अपना पोटेंशियल और बढ़ाएंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी तक हम लोग पूरे सत्यनिष्ठा से और सही सच्चे मन से पहुंच सकते हैं। पूरे भारतवर्ष की तरह जनपद मुजफ्फरनगर में भी मनाया गया है और इसी उपलक्ष्य पे जो डीजी कमेंडेशन डिस्क दी जाती है, क्या कहते हैं, डीजीपी महोदय के द्वारा, उसमें हेड कांस्टेबल करण सिंह व कांस्टेबल पूनम सिंह है जनपद से, जिनको जो हमारे हेड कांस्टेबल हैं करण सिंह, इनको सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया है और उसी के साथ साथ जो कांस्टेबल पूनम सिंह है इनको सिल्वर डीजी कमेंडेशन डिस्क दी गई है। इन्हीं लोगों को जो पुलिस कर्मचारी हैं इनको आज सम्मानित किया गया है और पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। सर, रोहित सांडू केस में भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है पूरी टीम को। जी, वो भारत सरकार के द्वारा जो रोहित सांडू वाला जो प्रकरण था उसके अंदर जो टीम उसमें शामिल थी उनको दिया गया। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।